तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। इसमें आपको हम आपके बेहतरीन तरीके से गेट लगाने के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर आगे को सड़क चलती हो या फिर कोई भी इस तरह की रास्ता हो जिसे बंद नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या जरूरी टेक्निक इस्तेमाल करें तो आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलते हैं, वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, हमने गेट खड़ा किया हुआ है और इसमें बाहर हमने कोई भी सपोर्ट वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि आगे रैंप भी है और आगे रास्ता हमारे पास थोड़ा कम रास्ता है। देते हैं बच्चों को, शरीर में कोई नहीं होती है, तो उसके लिए हमने ये टेक्निक आजमाई है। तो ये आप देख सकते हो, हमने ये रस्सी बांधी हुई है, इसने गेट को इधर खींचा हुआ है हमारी तरफ, और ये जो हमने डंडा लगाया हुआ है इसकी वजह से गेट पर हो रहा है, इस रस्सी की वजह से इधर हो रहा है। तो ये हमने बाहर का काम खत्म कर दिया बिल्कुल, और इसी तरह से हमने ये इधर लगा दी है ताकि गेट को आराम से रोका जाए। और जैसा कि आप देख सकते हो, बीच में इतना गैप देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गेट खुलने के बाद ये आपस में ना टकराए। आपस में टकराने की वजह से, और इसमें इसका ये फायदा है कि लूज रहेगा, आपस में नहीं टकराएगा। नीचे भी आपको ये इस तरह की पैकिंग देनी है, ये आप गैप देख सकते हो, नीचे से थोड़ा कम है और ऊपर से थोड़ा हमने ज़्यादा रखा हुआ है, ताकि थोड़ा बहुत गेट अगर झुके भी तब भी आपस में नहीं टकराएगा, 1-2 mm अगर झुक भी है। जो शाइड की जगह है, वो जो अंदर वाली ये पट्टी है, इसको भी आपको नीचे से और ऊपर से अच्छे से माप कर लेना है इसका, और इसी तरह इस साइड का भी माप कर लेना, जितनी वो साइड है इतनी आपको ये रखनी है। इसे बिल्कुल सेंटर टू सेंटर रहेगा गेट, तो इस तरह से गेट लगाएं आपको, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। You come